मिथिला के लिए एक अलग से हम लोग जो है MDA मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन जो है हम लोग कराएंगे। हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, ये तो अब आम बात हो गई है, लोगों ने जीना अब जो है सीख लिया है। सरकार को कोई मतलब नहीं, पुलिस को कोई मतलब नहीं, पुलिस शराब के पीछे। केंद्र में 11 साल से सरकार है, अहमच के लोग यहाँ से वोट देता है NDA को, लेकिन बदले में क्या मिलता है? हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, ये तो अब आम बात हो गई है, लोगों ने जीना अब जो है सीख लिया है। लैंड सर्वे जो हो रहा है, जो परेशानी कठिनाइयाँ हो रही हैं, जिसमें नियम कायदा है, इसको और सरल, सुगम और थोड़ा प्रैक्टिकल बनाने की जरूरत। आभार यात्रा के तहत मधुबनी में तेजस्वी ने अपराध और भ्रष्टाचार के साथ साथ सरकार पर चौतरफा हमला किया। लोगों के जीवन से सरकार को कोई मतलब नहीं है, लोगों ने हत्या, अपहरण और लूट के साथ जीना शुरू कर दिया है। तेजस्वी ने जमीन सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार की शिकायत की है। तेजस्वी यादव ने सर्वेक्षण की प्रक्रिया को और सरल बनाने की सलाह दी है। आभार यात्रा के दरमियान लोगों और कार्यकर्ताओं से जमीनी जानकारियां मिल रही हैं। तेजस्वी उन पर बयान देते जा रहे हैं। बिजली बिल संबंधी तेजस्वी के शिकायत पर बवाल मचा था, परंतु बिजली कंपनियों पर सरकार का दबाव है कि वह मीटर बिल संबंधी शिकायतों पर सुनवाई करे। तेजस्वी ने मधुबनी पहुंचकर मिथिलांचल विकास प्राधिकरण MDH बनाने का आश्वासन भी दिया। मिथिला के लिए एक अलग से हम लोग जो है MDA मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन जो है हम लोग कराएंगे, ताकि विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में या हर मामलों में जो है मिथिलांचल का इलाका डेवलप करे। मिथिला का अलग इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, कल्चरल इलाका है, पान, माछ, मखान से लेकर के यहाँ की बोली इतनी मीठी है। टूरिज्म के क्षेत्रों में भी जो है काफ़ी हद तक जो है यहाँ विकास किया जा सकता है, या मधुबनी पेंटिंग हो, हर तरह के चीज़ों को जो है अच्छे से ख़ास तौर पे किया जा सकता है। तो हम लोग इसीलिए आए हैं, ताकि हम लोग चुनाव भी लड़ते हैं तो थोड़े मोड़े 2,000-4,000 वोट से हम लोग कई जगह चुनाव हारते हैं। ये जो कम मार्जिन का जो आंकड़ा है, हम और समाज के लोगों को कैसे जोड़ें, हम लोग सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, चाहे कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, सबको प्रतिनिधित्व देने का आगे आने वाले समय में हम लोग काम करेंगे। हम समझते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, दरभंगा हो, मधुबनी हो, झंझारपुर हो, यहाँ गरीबी बहुत है और सबसे ज़्यादा पलायन बहुत है। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है प्रति व्यक्ति आय में अगर देखा जाए, 2,90,00,000 जो भारत सरकार ने आंकड़ा दिया है कि भारत बिहार से पलायन जो लोग करते हैं, जो कि ये आंकड़ा भारत सरकार ने दिया, लेकिन हकीकत जो है 3-4 करोड़ लोग बिहार के दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, काम करते हैं। यहाँ गरीबी बहुत है, बाढ़ की समस्या बनी रहती है, और लगातार मधुबनी से 2009 से ही अगर देखा जाए तो भाजपा यहाँ से सांसद में जीतती रही है। सबसे ज़्यादा अगर विधायक अगर देखा जाए मधुबनी झंझारपुर में, तो सबसे ज़्यादा विधायक भी NDA के हैं। 20 साल से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में 11 साल से सरकार है, अहमच के लोग यहाँ से वोट देता है NDA को, लेकिन बदले में क्या मिलता है? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, लाचारी,
इतना बड़ा एग्रो इंडस्ट्री हो सकता है, यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खुल सकते हैं, कारखाने खोले जा सकते हैं, पलायन रोका जा सकता है। तो लोग जो हैं अभी भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं जिन समस्याओं से वो पहले जूझते थे। पुल पुलिये हो, इस सरकार में ऐसे गिरते हैं, भ्रष्टाचार इस कीमत हो चुका है, थाना चले जाइए, ब्लॉक लेवल चले जाइए, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। खास तौर पे अभी भी आप देखिएगा जो ज़मीन की नापी वगैरह जो हो रही है या लैंड सर्वे हो रहा है, इसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है, लोग परेशान हैं। हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, ये तो अब आम बात हो गई है, लोगों ने जीना अब जो है सीख लिया है। सरकार को कोई मतलब नहीं, पुलिस को कोई मतलब नहीं, पुलिस शराब के पीछे, परिवार पीड़ित परिवार को न्याय मिले ना मिले इससे कोई किसी को लेना देना नहीं, कोई मिलने नहीं जाता है, कुछ नहीं है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, शराबबंदी वाले लोग जो हैं अभी पकड़े गए हैं। जदयू का ब्लॉक का अध्यक्ष था जो शराब का कारोबारी करता था, जुआ का कारोबारी करता था, इन लोगों को संरक्षण दिया जाता है। अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, पेपर लीक होता है, सबको संरक्षण दिया जाता है, कौन है दोषी? तो बिहार जो है बदहाल स्थिति में है, और ख़ास तौर पे ये उत्तर बिहार के जो ये बड़े ज़िले हैं मधुबनी, दरभंगा, यहाँ लोग जो है गरीबी से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, पलायन बड़ी तादाद में हो रहा है। हमने पहले भी कहा था बिजली के बिल से भी यहाँ लोग जो है सब लोग जो है परेशान हैं, जो स्मार्ट मीटर जो लगा है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, आय हो नहीं रहा है, महंगा हर चीज़ हो रहा है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि भाई अगर हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग बिहार के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। में हर वर्ग के लोगों को परेशानी हो रही है, इसमें आरजेडी का क्या स्टैंड है? इसमें साफ तौर पे हमने शुरू दिन से ही कहा था कि इसको और सरल और सुगम बनाने की जरूरत है। लैंड सर्वे जो हो रहा है, जो परेशानी कठिनाइयां हो रही है, जिसमें नियम कायदा है, इसको और सरल सुगम और थोड़ा प्रैक्टिकल बनाने की ज़रूरत है। तो लोगों की परेशानी जो है उसको डिटेक्ट करके उसको दूर करने की आवश्यकता है, लोगों से बात करने की ज़रूरत है, एक समीक्षा की ज़रूरत है, समीक्षा के ज़रिए जो कमी है, जो लोगों को परेशानी आ रही है उसको दूर करने की।